Hey guys, welcome to my channel Farmer Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe the channel. So, आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के एक नया अपडेट के बारे में. जी हाँ, ये जो नया अपडेट है ये बेसिकली हमारे सब्सक्राइबर्स को लेकर ही है. उनका एक टॉपिक है जो काफी सारे सब्सक्राइबर का एक ही क्वेश्चन रहा है. उस क्वेश्चन पे कई सारे सब्सक्राइबर्स की डिलेमा रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक वीडियो के फॉर्म में आप सब्सक्राइबर्स के लिए एक वीडियो बना डालें. सो एग्जैक्टली मैंने वही किया है. आई होप कि मैं वो सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊं और आपके सारे डिलेमा को क्लैरिफाई कर पाऊं. सो आज की वीडियो होने वाली है उसी बात पे. बेसिकली इनिशियली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फार्मेसी में आने वाले हैं, जिनका कॉलेज में एडमिशन अभी हुआ नहीं है, वो ये चाह रहे हैं कि वो इस टाइम को, इस लॉकडाउन पीरियड को किस तरीके से यूटिलाइज करें फार्मेसी की रेफरेंस में. तो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये भी स्ट्रैटेजी चाहिए, टिप्स चाहिए कि वो जीपैट एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से स्टार्ट करें. एंड एग्जैक्टली उसके बाद जो जीपैट के एग्जामिनेशन होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी कि उनको किस तरीके से करना है. सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल फेज को लेकर. इनिशियली जब स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं तो एक क्यूरियोसिटी होती है, मेरे अंदर भी थी जब मैं कॉलेज के अंदर एंट्री की थी. मेरे अंदर भी वो ईगरनेस थी, क्यूरियोसिटी थी कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे जीपैट एग्जामिनेशन को लेके सोचना है. मैं कॉलेज में एंट्री मारी है तो हमारे अंदर वो एक जुनून होता है कि हाँ मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे ये करना है. इस टाइप से हर स्टूडेंट को रहता है. बेसिकली फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप थोड़े से कूल रहो, थोड़े से काम रहो, ज्यादा लोड नहीं लेना है, थोड़ा चिल मारो, कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करो शुरुआत के टाइम पे. बेसिकली जो भी घर पे बैठे हैं और इस लॉकडाउन पीरियड में टाइम को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, देखिए सबसे इफेक्टिव चीज जो है वो है आप अपने बेसिक्स क्लियर करें. आपने देखा होगा कि 11th 12th में जो नॉलेज आप लेकर आए हो वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी. मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया है कि फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है फार्मेसी के अंदर जो कहीं ना कहीं लिंक करता है जियोलॉजी से, फार्माकोग्नोसी है जो कहीं ना कहीं लिंक करता है बॉटनी से, और ऐसी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपकी 11th 12th पे पढ़ने से ही आप उन चीजों को क्लियर आउट कर पाओगे, वो कहीं ना कहीं लिंक रहेंगे. फर्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, इजी रहेगा थोड़ा. फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही रहेगा जहां पे आप अपने 11th 12th की नॉलेज को इनकल्केट कर सकते हो और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन एग्जामिनेशन में. सो आप अपने बेसिक्स क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान दें, ये टाइम को यूटिलाइज करें. फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की बुक आती है रॉसिन विल्सन की, ठीक है, उसमें भी वो नॉर्मल चैप्टर्स हैं पर थोड़े एक्सपैंड कर दिए गए हैं. जैसे आप 11th 12th में पढ़ते थे, अब नॉर्मल जैसे सिस्टम है, टिश्यूज हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मे बी एनी अदर सिस्टम, उन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज एक्वायर करो. देखिए शुरुआत में ऐसा है कि आप ये ना सोचें कि मुझे बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नहीं, आप अपने बेसिक्स क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान दो. क्योंकि क्या है, अगर आपने अभी बेसिक्स क्लियर करने की सोच ली तो बाद में आप बहुत इजीली क्रैक डाउन कर सकते हो एग्जामिनेशन. शुरुआत में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये भी मानना है कि उन्हें जीपैट में अंडर 2000 रैंक, अंडर 1000 रैंक, अंडर 500 रैंक लेकर आनी है. बट मेरा कहना यह है और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो. आपका जो फर्स्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे वो कट ऑफ क्लियर आउट करना है. क्योंकि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स इस चक्कर में कि रैंक बहुत अच्छी लाने को नेगेटिव मार्किंग बहुत कर देते हैं और साथ ही साथ वो ना क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए लूज कर देते हैं. देखिए सिर्फ कट ऑफ पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये प्रोटोकॉल रखोगे कि क्वालिफाई करना है, नो डाउट आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, मीडियम कॉलेज में जाओ, इट्स ओके ओके. चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी प्लेसमेंट्स को लेके, बहुत अलग अलग चीजें भी हैं, बट इट वुड बी फाइन. मेजर फैक्ट ये है कि आपको क्वालिफाई करना है. क्या रैंक आती है वो बहुत डिफरेंट चीज है. अभी के लिए आप क्वालिफाई कर लिए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. फर्स्ट आपने एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्रैक किया, आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, रैंक अच्छी हुई तो फिर बात अलग ही है. बट साथ ही साथ गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 12,400 पर मंथ, एंड आई गेस दो साल के लिए 3,20,000. बहुत इजी एक्सेस होगा अगर आप बस इसी चीज पे ध्यान दें.
बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीपैड की बुक्स रिफर करने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पीयूष की बुक है. ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं, इनामदार हो गई, इनामदार की बुक आती है, जीपैड क्रैकर की बुक आती है, कई सारी बुक्स होते हैं. बट मैं आपको इनिशियली बोलूंगा कि इन बुक्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो. अगर आपने अपने कॉलेज लाइफ में फर्स्ट सेम से लेकर एट सेम की बुक्स ही रीड कर ली तो आपका पूरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई लोड नहीं लेना पड़ेगा. क्योंकि क्या है, अगर आप इन जीपैड बुक्स पे जाने लग गए शुरुआत में ही, दिक्कत ये हो जाएगी कि आप वो बुक्स को रीड ही नहीं करोगे जो आपके सेमेस्टर में है. इफेक्टिवली आप नहीं पढ़ोगे, और आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ोगे तो आप जानोगे नहीं. इसलिए कॉलेज अटेंड करना भी बहुत जरूरी है. कहीं ना कहीं किसी भी टीचर की बात आप पे अटक जाएगी एंड वो क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा हमेशा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. कोई ना कोई लेक्चर आपको याद हो और आप वो क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो. वन क्वेश्चन फोर मार्क्स. सो बेसिकली बेसिक्स पे ध्यान दो, बुक्स को पढ़ो, सिलेबस निकालो फार्मेसी का, साइट पे दिया रहता है, आप रेफरेंस बुक्स देख सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा लो, कॉलेज के अंदर हो जब जाओ तो लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो या कहीं से भी आप ले सकते हो. और उसमें अपने बेसिक्स को क्लियर करके ज्यादा ध्यान दो. ओके, जीपैड एग्जामिनेशन को मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा ये है. बट हाँ, अगर आप डे बाय डे उस चीज को करते जा रहे हो तो वो इजिली क्लैरिफाई हो जाएगा आपके लिए, क्वालिफाई भी कर लोगे और आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल जाएगा. कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने ये चीज नोटिस की है हर एग्जामिनेशन में, और आपको भी मैं ये कहूंगा. सेकेंडली, आप उन लोगों से बात करें जो फार्मेसी के करियर को एक रियलिस्टिक वे में अप्रोच करते हैं, आपके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाते हैं. ऐसे लोगों से ना मिलें जो फार्मेसी को लेकर बोलते हैं फार्मेसी में तो सिर्फ शॉप्स खोलनी होती है, फार्मेसी में इतना ज्यादा अप्रोच नहीं है. बहुत ज्यादा है. उन लोगों से कम्युनिकेट करें जो आपको एक मोटिवेशनल, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे फार्मेसी को इन ए रियलिस्टिक वे में आपके फ्यूचर अप्रोच के लिए. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मार्केटिंग में जाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं, फार्मेसी को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, R&D डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं. तो देयर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. आपको चूज करना है इन्हीं 8 सेमेस्टर में कि आपको कौन सा करियर लेना है. आप अपने पाथ को डाइवर्ट मत करो. इसी 8 सेमेस्टर में आपको अपना इंटरेस्ट जगाना है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और करियर वाइज आपको क्या करना है. बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप पढ़ो फार्मेसी के बारे में, जीपैड एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ो कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है, किस क्या क्या चीजें आएंगी, बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे. वो मैंने आपको बताया कि आप बुक्स रीड करो. नॉर्मली अभी के लिए बॉटनिकल नेम्स याद कर सकते हो ड्रग्स के, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल नीम है एज अ डायरेक्टर इंडिका, आप इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता करो. फॉर एग्जाम्पल आप मैंने फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के लिए बोला कि आप जूलॉजी वाला पार्ट थोड़ा एक्सपेंड करके आप पढ़ सकते हो. एक रीडिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप एक रीडिंग लगा लेते हो हर चैप्टर की तो आपको बहुत अच्छे से चीजें थोड़ी थोड़ी समझने आने लग जाती है. सेकेंडली, मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं और भी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फार्मेसी की करियर वाइज अपन को क्या करना है. जीपैड के टिप्स के बारे में और ज्यादा मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सोचना है, अटेम्प्ट कैसे करना है. बट प्रोटोकॉल हमेशा ये होना चाहिए कि आपको क्वालिफाई करना है, ये माइंडसेट आपका रहना चाहिए. रैंक क्या है कि वो थोड़ा बाद का केस है. फर्स्ट माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग ना हो और हमको सिर्फ और सिर्फ पहले क्वालिफाई होने पर ध्यान देना है. क्वालिफाई ही कट ऑफ क्लियर आउट करने के लिए बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट है. क्योंकि क्या है, फार्मेसी में जीपैड अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका मतलब एक टाइप से ये है कि आप स्टैंडर्ड वे में हो गए, आपने एक नेशनल लेवल क्रैक कर लिया एग्जाम का. तो आप एक आपकी डिग्री बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल की, बहुत इजी एक्सेस रहेगा आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. सब चीजों के लिए जीपैड बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है. आगे वीडियोज में भी मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा. सेकेंडली, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज 25 सितंबर है. So, आज है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे एंड आई एम गोना विश यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स अ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे. बेसिकली हर फार्मासिस्ट डे में एक थीम रहता है. इस बार इट्स ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोबल हेल्थ. हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं फार्मासिस्ट के एम को,
हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक इफेक्टिव, एक सेफ ड्रग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हर जगह पहुंचाएंगे। ये फार्मासिस्ट का एक खुद का ओपिनियन है, ओपिनियन भी है और ये काम भी है हर एक फार्मासिस्ट का, कि वो एम करता है कि वो बेनिफिट्स दे पाए कस्टमर्स को, पेशेंट्स को, एक सेफ इफेक्टिव ड्रग पहुंचा पाए, सर्विस पहुंचा पाए, फार्मास्यूटिकल सर्विस दे पाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हर साल एक थीम होता है, इस बार में भी आप जाने फार्मेसी को लेके। एंड आखिरी में बस आपसे ये कहूंगा कि सी मॉलिक्यूल्स बिकम मेडिसिन्स, मॉलिक्यूल्स बिकम मेडिसिन्स व्हेन फार्मास्यूटिकल एक्सपर्टीज आर एडेड इनटू इट। मॉलिक्यूल्स मेडिसिन्स तब बनते हैं जब फार्मास्यूटिकल एक्सपर्टीज उसमें ऐड होती है, जुड़ती है। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है फार्मेसी का हेल्थ पर, ड्रग्स पर, एवरीथिंग पे। इसी तरीके से मैं आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बताऊंगा फार्मेसी के करियर को लेकर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्लीज पिछली वीडियोस भी आप व्यू करें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो जाएंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने को तैयार रहूंगा। आई होप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैप्पी वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे।